अभी 7:30 बजने वाले हो और अभी मैं घर नहीं पहुंचा हूं, तो नाइट में ही चेक इन करने वाला हूं। तो आज है 5 अप्रैल 2019 और मैं हूँ राजकोट में, और आज मैं जाने वाला हूँ गांधीनगर अपने घर, लेकिन बीच में चोटीला भी एक मंदिर है, वहाँ जाऊँगा, मतलब पहाड़ी वाला इलाका है वहाँ जाने वाला हूँ। तो आज की जर्नी होगी मेरी मतलब 256 किलोमीटर जितना होगा, मतलब आज सबसे ज़्यादा लंबी हाइकिंग करने वाला हूँ मैं, तो देखता हूँ। और अभी सुबह के बज रहे 8:15 बज रहे, तो अभी मैं यहाँ से अपने कौशल पर दोस्त से घर से निकला हूँ, यहाँ से हाइकिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मुझे निकलना है शहर के बाहर, और शहर से बाहर निकलना सबसे बड़ी दिक्कत होती है हाइकिंग में। बहुत ट्राई किया लेकिन कोई रोकता ही नहीं है, तो शहर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। मैं जहाँ रहा था वो शहर के बाहर था, और मुझे जाना है शहर के दूसरी ओर, यानी कि पूरा शहर मुझे चल के कवर करना पड़ेगा लगता है। 2000 years later। तो फाइनली मैं हाइवे पर पहुँच चुका हूँ, तो मैं 8:15 बजे निकला था और अभी बज रहे 9:15। मुझे आधा घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचने में। तो चकड़े वाले भाई साहब ने मुझे 15 किलोमीटर तक छोड़ा है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे जाना है चोटीला, स्ट्रेट रास्ता है, तो अभी यहाँ से वापस हाई चैकिंग स्टार्ट करने वाला हूँ चोटीला। मुझे सलीम भाई ने लिफ्ट दिए 30 किलोमीटर तक, और वो डायरेक्ट मुझे चोटीला छोड़ने वाले, तो थैंक यू सो मच सलीम भाई। तो अभी डायरेक्ट वहाँ मिलेंगे। तो मुझे काफ़ी टाइम से लिफ्ट मिल नहीं रही थी, और मैंने आज भी नहीं किया, तो आपने कैसे रोकी? आपने उसको लिफ्ट मांगा ना रिक्शे वाले को? हाँ हाँ, मुझे नहीं रोका। मैं चोटीला पहुंच चुका हूँ, शायद 1-2 घंटे में मैं नीचे आ जाऊँगा वापस। तो मैंने सुना है कि यहाँ 1000 सीढ़ियाँ है, तो शायद मुझे सामान लेके चलना पड़ेगा, अगर किसी ने रोका तो वहाँ सामान रखने की जगह होगी तो नीचे सामान रख दूँगा, अगर नहीं होगी तो सामान लेके चढ़ूँगा, और चढ़ूँगा भी नहीं वो वहाँ जाके पता चलेगा। तो ये है चोटीला, और वो है पहाड़। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, पहली बार मैं अपनी मासी के साथ आया था, तो मैंने अपने एक बैग यहाँ रख दिया है, और अभी ये चोटीला डूंगा चढ़ने जाने वाला हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, एक बैग मैंने साथ में ले लिया क्योंकि सारी कीमती चीज़ें इस बैग में है, उस बैग में सिर्फ टेंट और वो सब था। तो यहाँ बहुत सारे लोग चल के आते हैं, मतलब दूर दूर से चल के आते हैं। ऐसी एक और जगह है अम्बाजी, वहाँ भी लोग चल के आते हैं, तो मैंने रास्ते में काफ़ी सारे लोगों को देखा था यहाँ तक चल के आते हुए, और ऊपर भी ऐसे ही जाते हैं। और यहाँ थोड़ी छांव के लिए ये सब रखकर किया गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। तो जब मैं पाली जा रहा था तब इसकी सीढ़ियाँ इतनी स्ट्रेट नहीं थी, आप देख रहे हो ये चढ़ान स्ट्रेट ऊपर जाता है, तो पाली जाना का ऐसा नहीं था, और ये 1000 सीढ़ियाँ ही हैं शायद, तो चढ़ना थोड़ा आसान है, पर ये जल्दी थका देता है क्योंकि ये एकदम स्लोप में स्ट्रेट। तो फाइनली मैं मंदिर पे आ चुका हूँ, और ऐसा दिखता है यहाँ से ऊपर से। मैंने वहाँ से एंट्री ली थी, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, वहाँ से मैं एंट्री ली थी और फिर यहाँ पूरा ऊपर चढ़ के आया हूँ, और अभी वापस जाना है। तो अभी वापस नीचे जाना है, और वहाँ से मुझे हाइकिंग स्टार्ट करनी है, और मैं 7:45 बजे निकला था घर से, और अभी 11 बज रहे, तो मुझे जल्दी से जल्दी नीचे जाना पड़ेगा और हाइकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर रात हो जाए तो भी मैं हाइकिंग पूरी करने वाला हूँ, क्योंकि आज तो घर जाना है, कुछ भी हो जाए तो नाइट में हाइकिंग ना करनी पड़े, इसलिए मैं जल्दी से निकल रहा हूँ यहाँ से। तो
तो मैंने अपना सामान ले लिया है, वो बड़ी बैग ले ली है और यहाँ से वापस निकलूँगा, नीचे उतर रहा हूँ अभी। तो अभी 12 बज रहे हैं और मुझे अभी तक एक ही लिफ्ट नहीं मिली। अभी मैं यहाँ से चल के जाने वाला हूँ, कोई रोक ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा आगे चल के जाऊँगा और वहाँ ट्राई करूँगा ये चाय की। तो ये भाई साहब मुझे थोड़े आगे तक छोड़ने वाले। मेरा घर यहाँ से 177 किलोमीटर दूर है और अभी बज रहे 1 बज रहा है अभी। और यहाँ व्हीकल थोड़े कम आ रहे हैं, जस्ट अभी अभी मैं वहाँ से चल के यहाँ तक आया हूँ। अभी 1:30 बज रहा है और यहाँ से अहमदाबाद 165 किलोमीटर जितना दूर है, 165 किलोमीटर दूर है यहाँ से अहमदाबाद। तो 40 डिग्री है गर्मी और इधर मैंने ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा टफ हो रहा है मेरे लिए, लेकिन मज़ा भी आ रहा है साथ में। तो अभी आकाश भाई ने मुझे लिफ्ट दी है 120 किलोमीटर तक, यानी कि अहमदाबाद में जो अहमदाबाद जिला हो ना वहाँ दंतुका तक मुझे छोड़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच आकाश भाई, वेलकम। मतलब काफ़ी हेल्प हो गई मेरी। तो वहाँ से मैं गांधीनगर निकलूँगा वहाँ से, जो कि 40 किलोमीटर जितना होगा। तो आकाश भाई ने मुझे जहाँ से उतारा था यहाँ से 80 किलोमीटर है। तो अभी मैं वहीं खड़ा ही था कि गजेंद्र भाई ने मुझे लिफ्ट दे दिए बावड़ा तक। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा बावड़ा? बावड़ा यहाँ से 22 किलोमीटर। तो थैंक यू सो मच। मेरा घर यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद। मैं यहाँ खड़ा था और दोस्तों मेरी गाड़ी रुकी, मैंने बोला कि ऑटो देख के मैंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना है, मैंने कहा अहमदाबाद जाना है। तो दलपत भाई ने कहा कि जहाँ वो जहाँ जा रहे थे वहाँ तक लिफ्ट देते मेरे को। थैंक यू दलपत भाई। तो अभी रिक्शा में बैठ के जाऊंगा। तो कहाँ तक जा रहे हो? हाँ, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से शायद 10 किलोमीटर। तो मुझे 10 किलोमीटर तक लिफ्ट मिल चुकी है, वो भी रिक्शा में। तो थैंक यू दलपत भाई। अहमदाबाद तक लिफ्ट मुझे मिल चुकी थी, मुझे सरखेज हाईवे पर रुकना था, पर जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी उन्होंने कहीं और, यानी कि नारोल उतारा मुझे और कहा कि सरखेज से गांधीनगर और नारोल से गांधीनगर सेम डिस्टेंस पर है, लेकिन सरखेज हाईवे से मुझे लिफ्ट आसानी से मिल जाती, पर मैं आ फंसा शहर में। यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो रहा था, जैसे ही चलने लगता ऑटो वाले आते और हॉर्न बजा बजा के मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। मैं उनको मना करते करते थक चुका था, शहर में एक दो छोटी लिफ्ट के अलावा मुझे कोई लिफ्ट दे ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते हो गई शाम। मेरा घर था 16 किलोमीटर दूर। पूरा अंधेरा होने तक मैंने पूरा ट्राई किया कि हिच हाइकिंग करके मैं घर तक पहुंच। अब बैकअप और इमरजेंसी के लिए मेरे पास कुछ पैसे और डेबिट कार्ड थे, लेकिन मैंने पूरी ट्रिप में अभी तक कहीं पर भी 1 रुपया तक भी मैंने यूज़ नहीं किया था। उन पैसों का यूज़ करके ऑटो लेके मैं घर आया था। ये पैसे वाली बात अगर मैं चाहता तो छुपा भी सकता था, किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कुछ काम करना है तो ईमानदारी से करना चाहिए। तो मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता कुछ भी। अगर मैं सरखेज उतर जाता तो शायद मैं फेल नहीं होता। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने की और जिसकी वजह से मैं ये ट्रैवल विदाउट मनी में फेल हुआ। क्या कहानी है यार, घर के इतने नज़दीक आकर मैं हार गया। ये हार नहीं है, ये तो जीत है। इतने दिन बिना पैसों के सर्वाइव और ट्रैवल करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैं हार कर भी जीता हूँ और जो हार कर जीतता है उसे कहते हैं।